यूपी के गोंडा में एक कलयुगी बेटे ने पैसों की डिमांड ना पूरी होने पर अपने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पिता की हत्या के बाद उसने घटना को लूट का रूप देने के लिए घर के अन्य सदस्यों का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और पिता के पास रखे 38,000 रुपए भी अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने बदमाशों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिए जाने का शोर मचाया। हालांकि लूट व हत्या की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने चंद घंटे के भीतर हत्यारे बेटे को गिरफ्तार कर इस वारदात का खुलासा कर दिया। कलयुगी बेटे द्वारा बाप की हत्या की यह सनसनीखेज वारदात कोतवाली नगर क्षेत्र के दत्तनगर विसेन गांव की है। यहां के रहने वाले रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी बुजुर्ग ईश्वर दीन कुछ दिन पहले बैंक से पेंशन के 13,000 रुपए निकाल कर लाए थे और किस्त का भी 25,000 रुपए मिला था। इस रुपए को उसका बेटा सुकई टेम्पो खरीदने के लिए मांग रहा था, लेकिन ईश्वर दीन रुपए देने को तैयार नहीं थे और इसी बात को लेकर सुकई अपने पिता ईश्वर दीन से नाराज था। मंगलवार की देर रात उसने अपने पिता पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी और उसके पास रखे 38,00,000 रुपए ले जाकर अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। घटना को लूट का स्वरूप देने के लिए हत्यारे बेटे ने घर के अन्य सदस्यों का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद उसने अपने चाचा को फोन से बदमाशों द्वारा लूट किए जाने का व पिता की हत्या किए जाने की सूचना दी। परिजनों की सूचना पर पुलिस पहुंची और सुकई से पूछताछ की तो हत्या व लूट की सूचना संदिग्ध दिखाई पड़ी। सुकई से जब पुलिस ने कड़ाई की तो वह टूट गया और पिता की हत्या किए जाने की बात स्वीकार कर ली। हत्यारे बेटे की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल कुल्हाड़ी व रुपए भी सुकई के कमरे से बरामद कर लिया। पुलिस सुकई को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। रोल सर। और बीती रात थाना कोतवाली क्षेत्र के दत्तनगर बिसेन गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि ईश्वरदीन नाम के व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 62-63 वर्ष थी, उनकी हत्या कर दी गई है। अज्ञात बदमाशों द्वारा हत्या कर दी गई है तथा उनके कमरे से कैश बदमाश लेके भाग गए हैं। प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि जो सूचना दी गई थी वो पूरी तरह से सही नहीं थी। और पूरी जब छानबीन की गई तो पता चला कि मृतक को उनके ही पुत्र, जिनका नाम सुकई है, उसी ने कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करने के बाद कुल्हाड़ी को छुपा दिया था। और जिस रुपए के लूटे जाने की सूचना दी गई थी वो कैश भी जो आरोपी है उसके कमरे से बरामद हो गया। पूछताछ में जब ये बात सामने आई कि जो आरोपी है वो मृतक से पैसे की डिमांड करता था और 1,00,000 रुपए की डिमांड उसने हाल में ही रखी थी, जिसमें वो टेम्पो एक खरीदना चाहता था। उसके पिता इस डिमांड को नहीं मान रहे थे, इसी बात से क्षुब्ध होके उसने सुनियोजित तरीके से प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया। रात को बाकी लोगों के कमरे पे उसने कुंडी लगा दी और अपने पिता को कुल्हाड़ी से मार के उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद आला कत्ल कुल्हाड़ी को छुपा दिया और जो कैश है वो अपने कमरे में गद्दे के नीचे छुपा दिया। मुलजिम की निशानदेही पे आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है तथा अब उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या इसका कोई क्राइम ट्रैक भी है? इसका अभी तक इसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली।